Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सबको उम्मीद थी कि मल्हार राव होलकर आके बदल देंगे अहिल्या का फैसला, और मल्हार राव होलकर ने सचमुच बदल दिया अहिल्या का फैसला। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। चर्चा करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अहिल्या ने जो फैसला सुनाया था कि चुरंगा बना दिया जाए पिलाजी पाटिल को, उसके बाद खलबली मच गई थी, सभी कांप उठे थे कि ये कैसी सजा दे दी। गुनू जी और धना जी उठ के चले जाते हैं, और फिर मल्हार राव होलकर का आगमन होता है, एंट्री होती है, तो द्वारका बाई साहब आके रोती है, चिल्लाती है, आके बातचीत करती है कि ये सजा दी है अहिल्या ने, रिश्तों को ताक पे रख दिया है। मल्हार राव होलकर सबकी बात सुनते हैं, धना जी गुनू जी भी आते हैं, दरबार लगता है, और मल्हार राव होलकर फिर से पूरी कार्रवाई, पूरी चीजें वापस सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? बाद में वो कहते हैं कि इन सब की, जो मेरे सरदार हैं, इन लोगों के कहने पे, हमारी पत्नी के कहने पे, रानी साहिबा के कहने पे, हमने ये सब वापस सुना है, ताजो इनको कोई मल्हार ना रहे। और यहां पे मल्हार राव होलकर ने कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने सरदारों को आईना दिखाया कि इनका मानना ये है कि रिश्तों का भी लिहाज रखो, कि सजा जो है रिश्तों में अलग होनी चाहिए, राज्य में अलग होनी चाहिए। वो हमारी बहू बेटी थोड़ा है, किसी की बहू बेटी के लिए अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हिंट देते हुए तुक्कू जी भी यहां पे साइलेंट में जो दिखाया जाता है, पूरा वर्णन देते हैं मल्हार राव होलकर को, और पूरी एक एक चीज बताते हैं कि ऐसा हुआ, पूरा संघर्ष, क्योंकि उनको तो पता है कि कहां कहां भाग के छुपा था ये राक्षस, कहां कहां से पकड़ के लेके आए थे। और फिर मल्हार राव होलकर जब सजा सुनाते हैं कि हमको अहिल्या का फैसला बदलना होगा, और ये जो सजा है उनको कल चुरंगा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आज शाम को ही ये सजा दी जाएगी। रंग उड़ जाते हैं, फक हो जाते हैं सबके चेहरे। ये था मल्हार राव होलकर का अपनी सुनवाई के ऊपर विश्वास, ये था इसी के लिए मल्हार राव होलकर आके भी विश्राम घर में बैठे रहे, क्योंकि अहिल्या के फैसले के ऊपर उनको पूरा का पूरा विश्वास था। क्योंकि जैसा कि गौतमा भाई साहब ने कहा था कि अहिल्या आखिरकार मल्हार राव होलकर से ही अपने गुरु से सब कुछ सीखी है, उन्हीं की परछाई है। तो कैसा लगा मल्हार राव होलकर की अहिल्या के फैसले के ऊपर डबल मोहर लगाना, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।